गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. टुडे वी विल बी डिस्कस अंडर द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स यूनिट फोर्थ एक्सेप्टेंस एंगल फॉर इंसिडेंट रे. तो इंसिडेंट रे के लिए एक्सेप्टेंस एंगल की वैल्यू आज ज्ञात करेंगे. तो एक्सेप्टेंस एंगल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड कोर मीडियम. एयर एंड कोर मीडियम के इंटरफेस पर मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट रे के मैक्सिमम एंगल के द्वारा एक्सेप्टेंस एंगल जो है डिफाइंड होता है एट द एयर एंड कोर मीडियम. विच द लाइट रे इंटर्स इनटू द कोर एंड क्लैडिंग मीडियम अलोंग द इंटरफेस ऑफ कोर एंड क्लैडिंग. जब लाइट रे कोर एंड क्लैडिंग मीडियम दैट मीन्स इन द फिगर लाइट रे कोर एंड क्लैडिंग मीडियम में इंटर करता है एट द इंटरफेस ऑफ कोर एंड क्लैडिंग. कोर एंड क्लैडिंग के इंटरफेस पर देन वी लेट एन जीरो एन वन एंड एन टू बी द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ एयर कोर एंड क्लैडिंग मीडियम रिस्पेक्टिवली. अगेन लेट लाइट रे ओ ए इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ एयर एंड कोर मीडियम विथ एन एंगल थीटा जीरो. जब लाइट रे ओ ए थीटा जीरो एंगल के साथ एयर एंड कोर मीडियम के इंटरफेस पर आपतित होता है देन द लाइट रे रिफ्लेक्ट इनटू द कोर मीडियम विथ एन एंगल थीटा वन. तब लाइट रे कोर मीडियम में एंगल थीटा वन के साथ रिफ्लेक्ट हो जाता है देन द लाइट रे अगेन इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ कोर एंड क्लैडिंग मीडियम विथ एन एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा वन. जब 90 डिग्री माइनस थीटा वन एंगल पर इंसिडेंट होता है तब द इंसिडेंट एंगल ऑफ कोर एंड क्लैडिंग मीडियम एट द इंटरफेस ऑफ कोर एंड क्लैडिंग मीडियम इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल. जो है इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा वन क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है एट द इंटरफेस ऑफ कोर एंड क्लैडिंग मीडियम. कोर और क्लैडिंग मीडियम के इंटरफेस पर इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा वन क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है. देन वी कैन से दैट द लाइट इज ट्रेवल अलोंग द इंटरफेस ऑफ कोर एंड क्लैडिंग मीडियम. कोर और क्लैडिंग मीडियम के इंटरफेस पर लाइट रे ट्रेवल्स करता है अलोंग द पाथ ऑफ बी सी दैट मीन्स बी सी डायरेक्शन में लाइट रे ट्रेवल करता है. इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड कोर मीडियम. तो एयर एंड कोर मीडियम के जो इंसिडेंट एंगल होता है उसका इंटरफेस एयर एंड कोर के इंटरफेस का इंसिडेंट एंगल थीटा जीरो होता है और रिफ्लेक्टेड एंगल थीटा वन. इफ थीटा वन इज लेस देन थीटा जीरो. जब थीटा वन रिफ्लेक्टेड एंगल इज लेस देन इंसिडेंट एंगल द 90 डिग्री माइनस थीटा वन विल बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. 90 डिग्री से बड़ा होगा.
दैट मीन्स वेन द इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल इज कॉल्ड अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. जब आपतित प्रकाश का कोण क्रिटिकल क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है तब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है. नाउ लेट अस कंसिडर अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए. जब पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं तब एन ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो इक्वल्स टू एन वन साइन थीटा वन आर साइन थीटा ज़ीरो इक्वल्स टू एन वन अपान एन ज़ीरो एन इज ट्रांसफर टू राइट साइड एंड साइन थीटा वन. सिमिलरली एट पॉइंट बी अप्लाई स्नेल्स लॉ देन एन वन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा वन इक्वल्स टू एन टू साइन 90 डिग्री. वी नो दैट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू वन. दस एन वन कॉस थीटा वन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा वन इज चेंज इनटू कॉस थीटा वन इक्वल्स टू एन टू साइन 90 डिग्री. तो साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू वन. देन वी कैन राइट कॉस थीटा वन इक्वल्स टू एन टू अपान एन वन. अगेन सिंस साइन थीटा वन इक्वल्स टू रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वन. साइन थीटा की वैल्यू होती है रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वन. देन द सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ कॉस थीटा वन इन दिस इक्वेशन तो वन माइनस एन टू अपान एन वन का होल स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर अपान एन वन. एन वन इज एन इज आउट ऑफ रूट. साइन थीटा ज़ीरो इक्वल्स टू एन वन अपान एन ज़ीरो रूट ऑफ एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर अपान एन वन. एन वन एंड एन वन इज कैंसल्ड. देन साइन थीटा ज़ीरो इक्वल्स टू रूट ऑफ एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर अपान एन ज़ीरो स्क्वायर. देन वी कैन ऑल्सो रिटर्न एज साइन थीटा ज़ीरो इक्वल्स टू साइन इज ट्रांसफर इन राइट साइड साइन इनवर्स एंड रूट ऑफ एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर अपान एन ज़ीरो. तो दिस एंगल साइन थीटा ज़ीरो इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस एंगल फॉर इंसिडेंट रे. थैंक यू.